नमस्कार मित्रों, मैं परीक्षा गंगा चैनल से विक्रम सर आप लोगों का स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग जो है झारखंड पीजीटी का सामान्य ज्ञान पढ़ रहे हैं, सामान्य ज्ञान में पढ़ रहे हैं, आज हम लोग पढ़ेंगे भारत का भूगोल। भारत का भूगोल का आज जो है लास्ट क्लास होगी, उसके बाद हम लोग झारखंड का भूगोल पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। कल हम लोग जो है नदी घाटी परियोजना पढ़े थे भारत का, आज फिर उसी के आगे देखते हैं। पहला प्रश्न है, आज का हम लोगों का पहला प्रश्न है जो है, अयोध्या किस नदी के तट पर स्थित है? अयोध्या जो है किस, हाँ देखिए, सरयू नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है? सरयू नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है? अयोध्या। अयोध्या का पहले क्या नाम था? फैजाबाद। फैजाबाद जिला था। जब जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो है उसका नाम बदलकर अयोध्या रख दिए। अयोध्या क्यों रख दिए? क्योंकि जो है भगवान रामचंद्र जी का जन्मस्थली है, इसीलिए जो है नाम रख दिया गया अयोध्या। अयोध्या में कौन सी नदी है? सरयू नदी। और जो है कि वहाँ अयोध्या में इस समय जो है राम मंदिर का निर्माण भी चल रहा है। फिर अगला प्रश्न है, साबरमती नदी किस शहर के किनारे बहती हैं? साबरमती नदी जो है किस शहर किनारे बहती हैं? अहमदाबाद। अहमदाबाद किस राज्य में है? जो गुजरात। गुजरात जो है अहमदाबाद किस लिए प्रसिद्ध है? क्योंकि यहाँ जो है ऊनी वस्त्र बनते हैं, कपड़े जो है कपड़े उद्योग, कपड़े का उद्योग ज़्यादा है। भारत का सबसे ऊंचा नदी बांध कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा नदी बांध कौन सा है? तो ये जो है भाखड़ा बांध है। भाखड़ा बांध जो है सबसे ऊंचा बांध है, लेकिन यहाँ भारत में, भारत में सब और पूरा विश्व में टिहरी बांध, टिहरी बांध जो है, टिहरी बांध के बाद जो है इसका दूसरा स्थान है भारत का। टिहरी बांध का जो है लंबाई है 856 फीट। टिहरी बांध का ऊंचाई जो है टिहरी बांध 856 फीट, 856 फीट ऊंचा है, किलोमीटर नहीं, 856 फीट ऊंचा है। हाँ 856 फीट। हाँ तो जो है कहाँ स्थित है? हाँ ऊंचा भाखड़ा बांध कहाँ, किस नदी किनारे पर है? ये जो है सतलज नदी के किनारे स्थित है। हाँ सतलज या सतजल दोनों एक ही हैं, उसी के नाम है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे लंबा नदी बांध कौन सा है? भारत का सबसे लंबा नदी बांध कौन सा है? हाँ हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध कहाँ स्थित है? हाँ उड़ीसा, उड़ीसा राज्य में स्थित है हीराकुंड बांध। हाँ हीराकुंड बांध जो है उड़ीसा राज्य में स्थित है, जो भारत का सबसे लंबा नदी बांध है। फिर टिहरी बांध किन दो नदियों के संगम पर स्थित है? भागीरथी और भीला गना। भागीरथी व भीलांगना नदी के किनारे स्थित है, दो नदियों के मध्य स्थित है, संगम पर स्थित है। टिहरी बांध किस राज्य में स्थित है? अब टिहरी बांध जो है किस राज्य में स्थित है? उत्तर हो जाएगा उत्तराखंड। अभी हम लोग पढ़े जो है टिहरी बांध जो है कितनी लंबाई इसकी है? 856 फीट। हाँ फिर इसी कड़ी में अगला है, हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? अभी उड़ीसा। हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा। अभी हम लोग जो है पहले इसके पहले पढ़े हैं। भारत की सबसे बड़ी मीठे जल की झील कौन सी है? हाँ हाँ बुलर झील जो है सबसे मीठे पानी की झील है। इस झील की जो है पानी बहुत मीठा होता है। वो किस राज्य में है? जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर। विश्व प्रसिद्ध खारे जल की झील साभर किस राज्य में स्थित है?
साभर झील किस राज्य में स्थित है? राजस्थान, वो भी राजस्थान के किस जिले में? जयपुर नगर के समीप, जयपुर नगर के जो है समीप जयपुर जिला है उसी की जो है बगल में स्थित है वो। हाँ, साभर झील बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है। साभर झील किस राज्य में स्थित है? तो राजस्थान में स्थित है, वो भी जो है जयपुर जिला में। जयपुर जिले में कौन सी झील स्थित है? साभर झील। साभर झील किस राज्य में है? राजस्थान। अब भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात, हाँ भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात तो धुआंधार जलप्रपात, धुआंधार नाम है। धुआंधार जलप्रपात जो है भारत का सबसे ऊंचा है। ये जलप्रपात किसे कहते हैं? चट्टानों के ऊपर से, पर्वत के चट्टानों के ऊपर से जो पानी गिरता है उसे जलप्रपात कहते हैं। हाँ, धुआंधार, इसके नाम है धुआंधार जलप्रपात। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात धुआंधार, कहीं भी आए तो धुआंधार। फिर धुआंधार जलप्रपात का निर्माण किस नदी पर हुआ? नर्मदा नदी। नर्मदा नदी किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में। हाँ, मध्य प्रदेश में स्थित है, और जो है नर्मदा नदी जो है मध्य प्रदेश पर्यटक स्थल भी है। भारत में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून से होती है? भारत में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून से होती है? तो दक्षिण पश्चिम मानसून से। दक्षिण पश्चिम मानसून जो है भारत में अधिक वर्षा करता है। कौन सा मानसून? दक्षिण पश्चिम। हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा। हाँ, भारत में वर्षा का औसत है 118 सेंटीमीटर, 118 सेंटीमीटर की दर से जो है भारत में वर्षा होती है। फिर राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार पर्यावरण की दृष्टि से कम कितने प्रतिशत क्षेत्र पर वनों का आवरण आवश्यक है? 33% जो है होना चाहिए। इससे जो अगर 33% रहेगा तो हमारे यहाँ जो है पर्यावरण सुरक्षित रहेगा, पर्यावरण प्रदूषण नहीं होगा। 33% से कम वन है, इसीलिए जो है इस समय पर्यावरण हमारे देश में बढ़ रहा है। फिर कितना प्रतिशत वन होना चाहिए? 33% या 33%। फिर भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? देहरादून में जो है भारतीय वन विभाग का जो है सर्वेक्षण स्थित है। यहाँ से जो है देख रेख किया जाता पूरे भारत का। फिर केंद्रीय वन अनुसंधान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ये भी जो है देहरादून में। वन अनुसंधान या वन संबंधी कोई भी मुख्यालय आए तो समझ लीजिए जो है देहरादून। देहरादून किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड। उत्तराखंड जो है देहरादून उत्तराखंड की राजधानी है। देश के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भूभाग पर वनों का आवरण है? तो कितने प्रतिशत? 21.34%। हम लोग जो है भारत का भूगोल पढ़े हैं ना, इसीलिए हर राज्य आ रहे हैं। ये ना समझे जो है झारखंड पढ़े, झारखंड का इसमें कहीं वर्णन ही नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि हम लोग, हाँ उसका अलग से होगा। इस समय हम लोग पढ़ रहे हैं भारत का भूगोल ना, तो हाँ भारत का भूगोल भी सिलेबस में झारखंड PGT में। तो पहले हम लोग भारत का देख लेंगे, तब उसके बाद झारखंड का पढ़ेंगे। ना करके अरे भारत का झारखंड नहीं पढ़ावत हन, भारत का। देश में सर्वाधिक वन क्षेत्र किस राज्य में है? मध्य प्रदेश राज्य में जो है, मध्य प्रदेश में जो है अधिक वन पाया जाता है। वनों का राज्य जो है किसे कहा जाता है? मध्य प्रदेश। हाँ, कई तरह से एक सवाल जो है कई तरह से आ सकते हैं। अब जैसे दे दिया वनों का प्रदेश किसे कहा जाता है? मध्य प्रदेश में। देश में किस प्रदेश में जो है वन अधिक पाया जाता है? मध्य प्रदेश में। भारतीय वन सर्वेक्षण कार्यालय कहाँ है? देहरादून। देश के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? हाँ, तो उष्णाद पतझड़ वन, उष्ण और आर्द्र दोनों प्रकार के वन पाए जाते हैं पतझड़ वन में। फूलों की घाटी, फूलों की घाटी स्थित है उत्तराखंड। उत्तराखंड वो भी किस, कहाँ? चमोली जो है, चमोली जिले में स्थित है।
फूलों को घाटी जो है उत्तराखंड में किस जिले को कहा जाता है? हाँ, चमोली जिले को। अगर ये पूछ ले फूलों की घाटी किस राज्य को कहा जाता है तो जो है उत्तराखंड। एक जो है एक प्रश्न कई तरह से आ सकते हैं। अभी आप लोग कहें कि जो है सब उत्तराखंड का आ रहा है, तो उत्तराखंड जो है वन उसमें ज़्यादा है, वन कार्यालय है। भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य है कर्नाटक में जो है, जो चंदन की लकड़ी अधिक पाई जाती है। यहाँ अपने लोग के यहाँ जो भी लकड़ी आती है चंदन की, अधिकतर जो है कर्नाटक से ही आती है। भारत में प्रमुख वनस्पति कौन सी हैं? भारत में प्रमुख वनस्पति कौन सी हैं? पतझड़ वन। पतझड़ वन पाए जाते हैं ना, वसंत ऋतु में पतझड़ झड़ा पिन जो है पत्ते जो है गिरते रहते हैं। भारत में स्थापित प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है? हाँ, भारत में प्रथम स्थापित राष्ट्रीय उद्यान है जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान नैनीताल। नैनीताल जो है उत्तराखंड में स्थित है। नैनीताल में और क्या है? नैनीताल में हम लोग घूमने भी जाते हैं गर्मी की छुट्टियों में, अधिकतर वहाँ ठंडा स्थान रहता है। राष्ट्रीय कार्बेट पार्क कहाँ स्थित है? नैनीताल, जिम कार्बेट पार्क। प्रश्न ज़्यादा कठिन नहीं ना। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? ये जो है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में जो है किस जिले में? लखीमपुर खीरी। लखीमपुर खीरी में जो है राष्ट्रीय दुधवा उद्यान स्थित है। घाना पश्चिम बिहार किस राज्य में स्थित है? ये जो है राजस्थान में स्थित है। अगला प्रश्न है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जोरहट में पाया जाने वाला प्रमुख मुख्य जंतु है? हाँ, जो है कौन सा जंतु अधिक पाया जाता है उस उद्यान में? काजीरंगा में कौन सा जंतु? एक सींग वाला जो है गेंडा, या हाँ उसी के लिए गेंडा या गैंडा, उसी के लिए जो है प्रसिद्ध है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जोरहट, जो किस राज्य में स्थित है? ये जो है असम में है। असम के जोरहट में। हाँ, एक सींग वाला गैंडा जो है जोरहट में पाया जाता है। गिर राष्ट्रीय उद्यान जो एशिया शेर के लिए प्रसिद्ध है स्थित है? ये जो है गुजरात में स्थित है। गुजरात में स्थित है जो है ये शेरों के लिए प्रसिद्ध है। इस उद्यान में जो है शेर अधिक पाए, गुजरात में तो है स्थित लेकिन जो है इस उद्यान में शेर अधिक पाए जाते हैं, शेरों के लिए ही प्रसिद्ध है। भारत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण मिट्टी कौन सी है? तो कौन सी मिट्टी है? जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी जो है भारत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण मिट्टी है। मृदा अपरदन रोका जा सकता है? हाँ, मृदा अपरदन क्या है? जो है मिट्टी का कटाव, जब बरसात होती है तो उससे जो है मिट्टियाँ कट जाती हैं। किसके द्वारा रोका जा सकता है? ये जो है वनस्पति उन्मूलन द्वारा, पेड़ पौधे जो है लगाने से जो है मिट्टी का कटान रोका जा सकता है, रुक सकता है। क्यों रुकेगा? जब अधिक पेड़ रहेंगे तो उसमें जो है बरसात का पानी का प्रभाव कम पड़ेगा, इसीलिए जो है मिट्टी का अपरदन रोका जा सकता है। किसके द्वारा? पेड़ पौधे द्वारा, वो भी वनस्पति उन्मूलन द्वारा, यानी वनस्पति माने पेड़ पौधे के लगाने से। समझ में आ रहा है ना? इसी प्रकार से झारखंड पीजीटी में आते हैं प्रश्न। फिर अगला है, कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी होती है? कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी कौन सी होती है? काली मिट्टी। काली मिट्टी में जो है कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम है, इसमें कपास का उत्पादन अधिक होता है। धान की खेती के लिए अति उपजाऊ मिट्टी कौन सी होती है? काली मिट्टी। काली मिट्टी में जो है धान का उपजाऊ अधिक होता है। भारत में सिंचाई का सबसे प्रमुख साधन है? भारत में जो है सिंचाई का सबसे प्रमुख क्या साधन है? कुएं और नलकूप। कुएं के द्वारा और नलकूप के द्वारा जो है भारत में सर्वाधिक सिंचाई की जाती है। किसके द्वारा भारत में अधिक सिंचाई की जाती है? कुएं और नलकूप के द्वारा। फिर भारत में नहर द्वारा सिंचाई में कौन सा राज्य सबसे आगे है? पंजाब राज्य में जो है नहर के द्वारा जो है सिंचाई की जाती है, पंजाब में अधिक नहर है। खरीफ की फसल है चावल। खरीफ की फसल चावल है। और जो है
हाँ रबी में गेहूँ, वो भी जो है जिस राज्य के हम लोग पेपर दे रहे हैं वो उसके लिए मुख्य फसल क्या है, झारखंड की मुख्य फसल भी जो है धान या चावल है, ये भी दे दिए। मान लीजिए झारखंड की मुख्य फसल है चावल, देता है इस प्रकार का प्रश्न देता है, क्योंकि झारखंड का हम लोग दे रहे हैं, जिस राज्य का देंगे जो उससे ज़्यादा देता है, तो जो है झारखंड की जो है मुख्य फसल है चावल, खरीफ की फसल चावल। भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है। पश्चिम बंगाल का जो है चावल अधिक उत्पादन होता है, इसीलिए जो है झारखंड की भी मुख्य फसल है झारखंड, क्योंकि पश्चिम बंगाल से ही अधिकतर कट के बना हुआ है, पश्चिम बंगाल का ही राज था। फिर अगला प्रश्न है हम लोगों का, एक और पीछे छूट रहा है। हाँ देखिए, भारत की मुख्य फसल क्या है? ओ बंगाल की चावल, झारखंड का मुख्य फसल चावल या धान। भारत में अब देखिए इसमें से, भारत में हरित क्रांति किस मामले में सर्वाधिक सफल रही है? जो गेहूं व चावल, हरित क्रांति माने गेहूं व चावल जिसमें हरा भरा हुआ खेत, गेहूं के खेत और धान के खेत में जो है हरियाली अधिक रहती है, इसीलिए जो है इसी का नाम है जो है हरित क्रांति। हरित क्रांति क्यों प्रसिद्ध है? गेहूं और चावल के लिए। नीली क्रांति संबंधित है, हाँ नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन, मछली, मछली उत्पादन के लिए फेमस है नीली क्रांति। दुग्ध उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान, दुग्ध उत्पादन में जो है भारत आगे है, प्रथम स्थान पे है दुग्ध। हाँ खरीदना भले पड़े लेकिन जो है भारत नंबर एक पे है दुग्ध उत्पादन करने में। अब श्वेत क्रांति, श्वेत क्रांति या ऑपरेशन फ्लड संबंधित है दुग्ध उत्पादन से। दूध कैसा होता है? श्वेत, सफेद, सफेद होता है, इसीलिए जो है श्वेत क्रांति कहते हैं। भारत में सबसे अधिक जौ उत्पादन करने वाला राज्य? उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश जो है जौ अधिक उत्पादन करता है, जौ के बाद जो है गन्ना भी है गेहूं भी है, लेकिन मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश ओ जौ उत्पादन करने में जो है प्रथम स्थान है उत्तर प्रदेश। जौ कौन सा प्रदेश अधिक उत्पादन करता है? उत्तर प्रदेश। हाँ झारखंड की मुख्य फसल धान, धान चावल। हाँ जी। तो मित्रों ये था आज हम लोगों का जो है भारत का भूगोल पढ़ रहे थे, अब कल से हम लोग पढ़ेंगे जो है झारखंड का भूगोल। झारखंड के भूगोल के बाद जो है हम लोग पढ़ेंगे झारखंड के बारे में पूरा, क्रांति आंदोलन, वहाँ का पर्यावरण, जलवायु, ये सब पढ़ेंगे। तो हम लोग जो है प्रत्येक रविवार को जो है हिंदी पढ़ते हैं, हिंदी गद्यांश सामान्य हिंदी पढ़ते हैं। तो मित्रों आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे, नमः संस्कृताय।